नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। Now it's morning 8 and I hope you all are ready with your yoga mats. Today is Wednesday. I'm here again with some new poses. Today we will start our session with warm-ups, then chakra asan. Chakra asan means wheel pose. And then Bhramari Pranayam. First, chakra pose. Chakra asan or wheel pose is very important for healthy lungs. Hamari eyesight bahut achhi hoti hai, sharpens eyesight and it helps to strengthen to back and increase elasticity of the spine. Hamari jo spine hai, back hai, wo bahut hi zyada flexible hoti hai. It reduces stress and tension in the body and improves appetite. And then we will do Bhramari Pranayam. Bhramari Pranayam, it is best cure for stress, good for deep sleep and blood pressure jaisi problems ko theek rakhta hai and it prevents heart blockage. To chaliye Gayatri Mantra se shuru karte hai. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए शुरू करते हैं वार्म अप से। सबसे पहले आज हम करेंगे ट्री पोज, वृक्षासना। कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं और बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है। देखिए, करेंगे हम लेफ्ट लेग पर, हम ये राइट लेग को इस तरह से, ये देखिए, बैलेंस बनाकर रखना है। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। अब इसी तरह से हम लेफ्ट लेग को राइट लेग पर रखेंगे। देखिए कैसे। दोनों हाथों को ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए, पैरों को अपनी जगह पर, दोनों पैरों को खोलेंगे इस तरह से। लेफ्ट नी बेंड करते हुए स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से हम राइट लेग की तरफ से करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को जगह पर लाइए। अब हम करेंगे चक्र आसन, वी पोज। इसके लिए हमें सीधा कमर के बल लेटना है।
दोनों पैरों को नीज से फोल्ड करिए, दोनों हाथों को उंगलियां आगे की तरफ हथेली बाहर की तरफ तरह से रखेंगे और अपनी बॉडी को अपने शरीर को ऊपर उठाना है। देखिए कैसे पैरों को धीरे धीरे पास में लाएंगे, इसे हम दोबारा से करेंगे। पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को उंगलियां अंदर की तरफ हथेली बाहर की तरफ, ये देखिए पूरी शरीर को ऊपर उठाइए, देखिए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में ध्यान से देखेंगे, अपने अंगूठे से अपने कानों को हल्के से दबाना है, अपनी तीन उंगलियों को आंखों के ऊपर और एक उंगली आपकी यहां रहेगी। देखिए इनहेल करेंगे, ध्वनि आपको कंठ से निकालनी है, आपका थम कानों में, आपकी तीन उंगलियां आंखों के ऊपर, तेज नहीं दबाना, बहुत हल्के से प्रेशर देना है और एक उंगली आपकी यहां होगी। के बाद आप लोगों को इनहेल करना है, लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे और उसे कंठ की ध्वनि द्वारा अपनी नाक से बाहर निकाल देंगे। चलिए करके देखते हैं। धीरे-धीरे अपने हाथों को हटाएंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र की तरफ, ओम उच्चारण, इनहेल
धीरे हाथों को हटाइए। तो आज हम लोगों ने किया चक्र आसन, उसके बाद हमने किया भ्रामरी प्राणायाम। कल हम दोबारा से मिलते हैं नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।